तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवा और आप देख रहे हैं वीबी वॉचिंग। और इस वक्त मैं हूँ आरदेव हाउस नोएडा सेक्टर 130, जो कि इंडिया के सबसे बड़े स्विमिंग पूल मैन्युफैक्चरर्स हैं। अगर आप अपने घर में स्विमिंग पूल लगवाना चाहते हैं, या अपने रिजॉर्ट में, फैक्ट्री में, या फार्म हाउस में, या स्विमिंग पूल का बिजनेस करना चाहते हैं, प्री फैब्रिकेटेड पूल्स का बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैं आपकी बात कराता हूँ कंपनी के को फाउंडर मिस्टर अरुण त्यागी जी से। हाय, आई एम अरुण देव त्यागी, अगेन आपके सामने मिल रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो पर्पज़ इन वीडियोस को बनाने का है, एक तो ये है कि किस किस तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि हम कस्टमर को एजुकेट करना चाहते हैं, क्योंकि स्विमिंग पूल का जो सेक्टर है थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड है, अभी एक पर्टिकुलर स्टेज में है, अभी ग्रोइंग सेक्टर है। तो हम चाहते हैं कि एजुकेशन को जितना ज़्यादा कस्टमर को एजुकेशन मिलेगा, उतना ही वो उसको पूल सेलेक्ट करने में, पूल की क्वालिटी जानने में, और किस किस तरह के पूल वो अपने घर में, होटल्स में या रिसोर्ट में डाल सकते हैं, किस तरह की नई टेक्नोलॉजी आ रही है, किस तरीके के हम लोग R&D रिसर्च कर रहे हैं, ताकि पूल आसानी से बनाए जा सकें, आसानी से चलाए जा सकें, और लाइफ लॉन्ग आपके लिए एक स्विमिंग का अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। विच इज़ द कॉम्पैक्ट फिल्टर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये एक छोटा पूल है, तो इसमें हमने छोटा कॉम्पैक्ट फिल्टर डाला है। जो बड़े पूल होते हैं उसमें हम पाइपलेस फिल्टर या मल्टीपल फिल्टर डाल देते हैं। इसी के नीचे में हमने छोटी सी एक मोटर लगाई है, और इसी से हम लोग पानी कंट्रोल कर सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, फाउंटेन चला सकते हैं, या जो भी चीज़ें कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेता है इसका साइज़। अगर आप बाहर से बाहर देखें तो लगभग समझिए 12 फुट बाई 12 फुट में, 15 फुट में आपका पूरा पूल बन जाता है। ये जगह आपके पास होती है। सेम पूल आप अपना बेसमेंट में बना सकते हैं, रूम के अंदर बना सकते हैं, छत पे तो बना ही हुआ ही है, या इन ग्राउंड भी कर सकते हैं, तो सारा मिट्टी के अंदर भी जा सकता है। सर, उसके अलावा मैं पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो पूल्स हम टेरिस पे बनाते हैं, तो पूल का जो वेट होता है वो काफी ज्यादा होता है पानी भरने के बाद, राइट? तो छत का नीचे गिरने से कोई डर नहीं होता? तो ये हमने क्या किया है, इसमें ना इसका पूरा कैलकुलेशन होता है। इसमें दो तरीके हैं। एक तो है कि आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को हायर करें, और स्ट्रक्चरल इंजीनियर से पूछें कि भाई हमें इतना बड़ा पूल बनाना है, तो इसके नीचे हमें कितना वजन रखना चाहिए। दूसरा तरीका, एक आसान तरीका होता है कि जिसको हम थंब रूल कहते हैं। थंब रूल इसलिए कहते हैं कि जैसे आप ये वाला पूल देख रहे हैं, इस पूल का डेप्थ है 2 फीट पानी का। तो मैं ये कहता हूँ, एक 40 किलो का आदमी पर स्क्वायर फीट पे खड़ा है तो ये वाला पूल लगा सकते हैं। अगर इसी पूल को हम 4 फुट या 4.5 फुट कर देते हैं, और पानी आपका 4-4.25 फीट होता है, तब आप मान लिए करीब 90 किलो का आदमी 1 स्क्वायर फीट पे खड़ा है। सो द वाटर का जो प्रेशर है 90 kg पर स्क्वायर फीट है। ये थंब रूल है। इसी को दिखा के अपने आर्किटेक्ट को, या स्ट्रक्चरल इंजीनियर को, या जो भी आपके सिविल इंजीनियर है, उससे आप कैलकुलेट करा सकते हैं। हमारे एक्सपीरियंस से ये पता चला है कि एक छोटा पूल जिस ये साइज का है, इसके लिए आपको कोई डिजाइन स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग यू नीड टू सी कि ये किसी पिलर या बीम पे रखा होना चाहिए, ताकि आपका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बिना पिलर और स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग में हम अवॉइड करते हैं इस तरह के पूल रखना। उस केस में आप लोग छोटे जकूजी, स्पा, हॉट टब वगैरह लगा सकते हैं, जिनका कि वजन 3-4 हज़ार किलो के आसपास हो, 2 हज़ार लीटर पानी। जी, तो अभी हमने आपको एक छत के ऊपर पूल दिखाया था, तो वो था प्री फैब्रिकेटेड पूल जो पीसीज में बनता है, लाइनर पूल था। अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही पॉपुलर पूल है, और इंडिया में हमारे अलावा आपको ये नहीं मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि हमने जो डिज़ाइन बनाया, ये एक परफेक्ट फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए बनाया, जिसमें कि बच्चे भी हों, बूढ़े भी हों, आपके पास अगर पैट हैं वो भी हों। तो हमने क्या किया कि एक होलिस्टिक सोल्यूशन देने की कोशिश की है कि छोटे घर में हम लोग किस तरीके से ये पूल बना सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है ओलिव मॉडल पूल। इसकी खासियत यह है कि इसके अंदर में एक तो मेन पूल है, प्लस इसमें इनबिल्ट स्टेप्स हैं बैठने के लिए, और ये आपके बाजू में जो आप देख रहे हो, दिस इज अ जकूजी। तो ये जो जकूजी है करीब 5 फुट डायमीटर है, और इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। तो सर, इसके अंदर बबल्स क्यों निकलता है? ये बबल्स क्या होता है, बेसिकली जकूजी में आपको क्या रहता है कि आपको रिफ्रेशिंग फील कराने के लिए जेट्स होते हैं, जो एयर इंड्यूस करके आपको प्रेशराइज वे में डालते हैं। तो इसमें हमने क्या है कि हेड रेस्ट दिए हुए, इसमें ये जो जेट्स लगे हुए ये आपको प्रेशराइज करते हैं। 3 लोग बैठ सकते हैं, जो 2 जकूजी के साथ रहते हैं, 1 बिना जकूजी के साथ रहते हैं। तो ये ओनली मॉडल जो हमारा है करीब करीब 11 फुट बाई 21 फुट का, 11 बाई 21 फीट, और इसकी डेप्थ जो हाइट हम बोलते हैं करीब 5 फीट है। दिस कैन बी इंस्टॉल बिलो ग्राउंड, सेमी ग्राउंड और अबो ग्राउंड। तो ये हमारा कहलाता है रेडीमेड पूल। रेडीमेड क्यों बोलते हैं, ये पूरा का पूरा फैक्ट्री में बना है, विदाउट एनी जॉइंट्स, पूरा का पूरा क्रेन से उठ के आपके यहाँ पे लग जाता है। सो इन पूल को हम कहते हैं रेडीमेड पूल।
जो दूसरे वाले देखे उनको बोलते हैं प्रीफैब्रिकेटेड, क्योंकि वो बनते हैं देन यू असेंबल देम। अच्छा, आजकल जो मार्केट में है बड़े सारे लोग वो कहते हैं जी हम पीसेस में बना देंगे, जॉइंट करके बना देंगे, तो वो एक मिसकंसेप्शन है। दुनिया में किसी भी जगह में इस तरीके से पुल बनते नहीं है कि जो आप पीसेस में बना लो या कुछ भी बना लो। अमेरिका देखो, कोई भी डेवलप्ड कंट्री देखो, कहीं पे भी इस तरीके से पुल नहीं बनते हैं। सो जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं या जिस तरीके से हम पुल बना रहे हैं, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी ऑल इम्पोर्ट फ्रॉम आइदर जर्मनी और अमेरिका, मेड विद मैनुअल एंड मशीन्स ऑल टुगेदर, बिकॉज सारा कुछ मशीन से नहीं बन सकता, सारा कुछ मैनुअली नहीं बन सकता। और ये ओलिव मॉडल तो यूनिक है ही है, उसके अलावा एक और यूनिक बात है जो हम लोग पूल में डाले हैं। करीब हम 15 साल से ये पूल बना रहे हैं। तो हमारा मुद्दा ये रहता है कि एवरी ईयर वी मेक वन मॉडल इन फाइबर ग्लास पूल। तो आज की डेट में हमारे पास लगभग 25-30 साइज हैं पूल के, और 50-60 डिफरेंट शेप्स और साइजेस के हम पूल बना सकते हैं इसी फाइबर ग्लास में। उसमें पूल हो गए, स्पा हो गए, जकूजीज हो गए, एंड अभी हमने लेटेस्टली कुछ और भी किया है कि वी कैन गिव देम इन वेरियस फिनिशेस आल्सो। तो सर, जो आपके पूल्स होते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है और ये ओल्ड फैशन पूल से कितने बेहतर है? देखिए क्या होता है, काफी लोगों के फोन आते हैं, बोले जी प्रीफैब पूल ना सस्ता होता है कंक्रीट से, जबकि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये सस्ता नहीं होता है, बेहतर होता है। बेहतर इन द सेंस बनाने में आसान, चलाने में आसान, और इसकी लाइफ, जो हमने पहला पूल लगाया था 2008 में, आज तक वो पूल फर्स्ट क्लास चल रहा है, यानी कि 15 साल हो गए। हम जो गारंटी दे रहे हैं 12 साल की दे रहे हैं, और ये पूल लाइफ लॉन्ग होते हैं, दीज आर वारंटेड फॉर लाइफ लॉन्ग, इसमें कोई इनकी टाइम लिमिट नहीं होती, एंड दीज आर बेटर देन कंक्रीट पूल बिकॉज इसके अंदर में कोई जॉइंट नहीं है, कोई लीकेज नहीं है, कोई सीपेज नहीं है, कोई जॉइंट भी नहीं है, कुछ नहीं है। छत पे लगाओगे लाइट वेट है, कंक्रीट का पूरा छत बनाते हो उतना वजन कंक्रीट का हो जाता है जितना पूल का नहीं होता। सर क्या मटेरियल यूज होता है इसको बनाने के लिए? सी देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स व्हिच वी आर यूजिंग, वी आर नॉट वेरी ओपन अबाउट इट। ये नॉर्मली कहलाते हैं फाइबर ग्लास के पूल, लेकिन फाइबर ग्लास की भी वेराइटी बहुत होती है। एक जो डस्टबिन के डब्बे हैं वो भी फाइबर ग्लास में है, छतें होती हैं वो भी फाइबर ग्लास में है, एक जो आपके यॉचेस होती हैं जो बिलियंस में और मिलियंस में आती हैं वो भी फाइबर ग्लास होती है। जितना भी शिपिंग मटेरियल होता है सारा फाइबर ग्लास में होता है। कार्बन फाइबर के बाद जो बेस्ट मटेरियल अवेलेबल है दैट इज फाइबर ग्लास, और वर्स्ट कंडीशन जो कहीं के भी हो सकते हैं वो समुद्र की होती है, जहाँ पे नमी भी होती है, पानी भी खराब होता है। तो फाइबर ग्लास इज वन ऑफ द स्टडी मटेरियल जो है। अब अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इन्हीं में वी आर यूजिंग द कार्बन फाइबर ऑल्सो टू गिव देम लाइक बुलेट प्रूफ स्ट्रेंथ, 100 साल में भी नहीं टूटेगा। तो सर ओल्ड फैशन पूल जो होते हैं उसमें क्लोरीन की कंजम्पशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, राइट? और जो प्री फैब्रिकेटेड पूल्स की कंजम्पशन जो क्लोरीन की होती है वो कम होती है, मैंने काफी सुना है, तो ये क्यों है सर, थोड़ा बताइए। देखिए ऐसा होता है, ये पूल की वजह से नहीं होता, ये आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम की वजह से होता है। पूल तो क्या है, वाटर कंटेनर है, चाहे आप कंक्रीट का बनाएं और फाइबर ग्लास का बनाएं। इसमें सिर्फ एक चीज फर्क रहेगी, अगर आप फाइबर ग्लास का पूल बनाते हैं तो उसमें जॉइंट्स कम है, तो आपका जो एल्गी लगने का है या फंगस लगने का चांसेस है वो कम हो जाता है। जो आपका कंक्रीट का पूल है उसमें आपका फंगस और एल्गी ज्यादा लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपने देखा होगा पहाड़ों में कुछ छतें होती हैं फाइबर ग्लास की, उनके ऊपर में आपको काला मोल्ड या एल्गी या कुछ लगा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जहाँ भी कंक्रीट की दीवारें हैं तो उस पर स्टिकिंग होती है। तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, पूल के अंदर हमें ग्लास मोज़ेक टाइल लगाते हैं कि ग्लास की हो जिसपे चीजें ना लगें, लेकिन ग्लास के बीच में तो आप सीमेंट लगा देते हैं या केमिकल लगाते थे वहाँ फंस जाता है। अब इसमें कुछ है ही नहीं, या लाइनर पूल प्रीफैब में कुछ जॉइंट ही नहीं है, आर्टिफिशियल लेयर है, तो आपका पानी साफ रहता है। जो क्लोरीन लगने की बात होती है वो होता है आपका कन्वेंशनल फिल्टर या मॉडर्न फिल्टर, या हम कह सकते हैं सैंड फिल्टर या कार्ट्रिज फिल्टर या बैग फिल्टर। सैंड फिल्टर बहुत पुराने हैं, सैंड फिल्टर में क्या कि ऊपर से वो एक पुरानी कहानी की तरह कि रेत के अंदर से पानी डालो तो पानी साफ निकल के आता है, सो उसी बेसिस पे काम करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप जब फिल्टर को वॉश करते हो तो आपका 2-3% पानी बाहर फेंक देता है। अब वो पानी जो आप बाहर फेंक दिया वो आपका वापस नहीं आता, आपने नया पानी डाला, उस चक्कर में क्या रहता है कि आपने कभी क्लोरीन ज्यादा हो जाती है कभी क्लोरीन कम हो जाती है, प्लस आपकी क्लोरीन की वेस्टेज होती है। ये जो पूल हम बना रहे हैं इसमें 0% तो क्लोरीन वेस्टेज है, 0% पानी वेस्टेज है, और सेम वाटर जो आप ये देख रहे हैं लगभग 1.5 साल पुराना है, ये पानी 1.5 साल पुराना, और ना इसमें हमने पानी डाला है ना हमने निकाला है, बिकॉज ये कवर्ड है तो इसमें बहुत ज्यादा मिट्टी नहीं आती, धूप नहीं आती, तो इसमें एवेपरेशन होता नहीं है। अब इसमें क्लोरीन नेग्लिजिबल लगती है बिकॉज ऑफ हमारा जो अल्ट्रा मॉडर्न पाइपलेस फिल्टर जो कहलाता है, ये इंडिया के हिसाब से मॉडर्न होगा,
बट वी आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ फिल्टर सिंस 2006। और ये जो पाइपलेस फिल्टर नाम भी है ये भी हमने दिया। ये जो आप देख रहे हो मॉडल, ये हमने इसीलिए लगाया बिकॉज दिस इज अवर डेमोंस्ट्रेशन यूनिट, कि इस पूल में कहीं पर भी कोई प्लम्बिंग नहीं है। तो सर आप पूरा पूल प्रोवाइड कराते हैं या आप पूरा पैकेज देते हैं, ओनली पूल प्रोवाइड कराते हैं? देखिए मेरे पास जो हमारी कंपनी है उसके पास लगभग 100 टाइप के प्रोडक्ट हैं, जिसमें से जो आप सामने देख रहे हो 3 प्रोडक्ट हैं, जकूजी है, फिल्टर है, लाइट है और पूल है। इसके अलावा हमारे पास बहुत तरह के आइटम है, जिससे फिल्टर्स में भी ये जो आप फिल्टर देख रहे हो ये आपका डेक माउंटेड फिल्टर है, यानी कि ना तो आपने कोई प्रोविजन छोड़ा, ना आपने पूल के लिए प्लम्बिंग डाली और फिर भी आपका पानी साफ है, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। तो आपका अगर आपका पुराना पूल है या आपका डैमेज पूल है उसको भी हम रिपेयर कर सकते हैं, अगर आपने सिविल का पूल खुद बनाया उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो अल्ट्रा मॉडर्न फिल्टर इसी के लिए कहलाते हैं क्योंकि इसके अंदर में सिस्टम कम है, सिंपल है। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? चीजों को आसान करना। तो सर इसकी इनकी प्राइसिंग है जो वो कितने से स्टार्ट है? देखो प्राइसिंग एक ना एक वेग मेथड है। प्राइसिंग लोग कहते हैं, जैसे आजकल काफी कॉन्सेप्ट चल रहा है कि स्क्वायर फीट में बताओ जी आपका पूल कितने का है, जबकि स्क्वायर फीट में पूल बन ही नहीं सकता। वो आप छोड़ो, आप सिविल का भी पूल स्क्वायर फीट में नहीं बना सकते। रीजन क्या है, अगर आपको छोटा पूल बनाना है आपको 4 इंच की आरसीसी डालनी है, लेकिन अगर आपको पूल ओलंपिक साइज बनाना है तो आपको 8 इंच की आरसीसी डालनी है, आप स्क्वायर फीट में कैसे ले लोगे? सिमिलरली प्राइसिंग इज सेकेंडरी थिंग, पहले आप मुझे बताएं आपको पूल कितना बड़ा चाहिए, आपका स्पेस कितना है, प्रीफैब लग सकता है, रेडीमेड लग सकता है। जब तक हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी हाँ तब तक हम आपको कुछ भी आपके साइज के बारे में नहीं बता पाएंगे। सो सबसे पहले हम किसी भी कस्टमर से ये पूछते हैं जी कहाँ लगाना है, किस प्लेसमेंट में लगाना है, किस साइज में लगाना है, उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि भाई इसके अंदर में रेडीमेड पूल लगेगा, प्री फैब्रिकेटेड लगेगा, फिल्टर लगेगा, क्या लगेगा। सो अपने पास सारे ऑप्शन है, सारे ऑप्शन खुले हैं, नए पूल के लिए भी, पुराने पूल के लिए भी, मॉडर्न पूल के लिए भी, कन्वेंशनल पूल के लिए। सर उसके अलावा बात करिए जो आपका बिजनेस है आपने स्टार्ट कैसे किया था, आप थोड़ा सा लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए जो स्विमिंग पूल का बिजनेस मैंने सबसे पहले 95 में स्टार्ट किया था, 95 से लगभग अभी मेरे को आप समझिए 28 साल हो गए हमको इस काम करते हुए। तो इनिशियली जब हमने काम किए थे तो तभी से हम लोगों ने पूल के अंदर में कुछ रिवोल्यूशनरी चीज़ें करी हैं, जैसे कि 95-97 में एक फार्म हाउस कल्चर आया था इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे फॉरेनर्स आते थे तो फार्म हाउस के अंदर स्विमिंग पूल बनाते थे, तो तभी क्या था कि ये इम्पोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था। सो वी स्टार्टेड मेकिंग द स्टेनलेस स्टील स्कीमर, तो जो स्कीमर आते थे सारे प्लास्टिक में आते थे जो कि इंडियन कंडीशन के हिसाब से ठीक नहीं होते थे। हमने क्या किया कि हमने उसको अपने इंडियनाइज तरीके से, हमने सबसे पहला जो हमारा इन्वेंशन था स्कीमर था, उसके बाद में फिर हमने डाइविंग बोर्ड्स, स्टार्टिंग ब्लॉक्स, वाटर पोलो गोल पोस्ट, डाइविंग बोर्ड्स और जो चीज़ें जो कि बात बहुत बहुत ज़्यादा 10-10 गुना कीमत पे होती थी हम लोगों ने हिंदुस्तान में बनाए। और आज की डेट में आपको दावे से कह सकता हूँ कि MES और जितने भी स्पोर्ट्स ऑर्थोटिक अंडर डाइविंग बोर्ड लगे होंगे लगभग 50% हमारी कंपनी के बने होंगे। तो गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है, आप लोगों को पता है स्विमिंग पूल जिस होटल के अंदर होता है लोग उसी होटल में रहना प्रेफर करते हैं, और इंडिया के किसी भी कोने में कोई भी बिजनेस करता है हॉस्टल्स का, होटल का, रिजॉर्ट वगैरह किसी का है तो आप स्विमिंग पूल उसमें लगवाना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आरदेव पूल्स को, आरदेव पूल्स इंटरनेशनल को। स्क्रीन पे नंबर दिए हुए आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मैं मिलता हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।